दिहाड़ी मजदूरों को खवासा बॉर्डर के पास रोक दिया गया। साथ ही एक भी गाड़ी आगे बढ़ने पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके लोग जंगल के अंदर से घुसकर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी ने लोगों को अपने कर्म भूमि से पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। नागपुर से सिवनी तक का सफर तो ठीक है, किंतु हाथ में गठरी लेकर कई मजदूरों ने हैदराबाद से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का 1500 किलोमीटर का फासला नापा है। ये लोग हैदराबाद से लगातार चलने के 4 दिनों बाद नागपुर पहुंचे हैं। अब ये लोग नागपुर पहुंचने के बाद सिवनी, बालाघाट, कटंगी, मंडला, जबलपुर और मध्य प्रदेश के कई जिलों और यूपी के वाराणसी, मऊ और हरदोई समेत कई जिलों तक पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए हैं। अब जब इन्हें खवासा बॉर्डर के पास रोका गया है और किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तब कई लोग जंगलों के भीतर से पलायन कर रहे हैं। ये पलायन रोकना अत्यावश्यक है। सरकार हर तरीके से इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, हर तरह की मदद और जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये दिहाड़ी मजदूर घर जाने की जिद कर बैठे हैं। कोरोना वायरस ने शहरी इलाकों में जड़ जमा लिया है। इसके मरीज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीण में फिलहाल इसके ना के बराबर संदिग्ध है। यदि इनका पलायन नहीं रोका गया तो यह महामारी ग्रामीण भागों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। इतना कोरोना से नहीं मरेगा, उतना भूखमरी से मर जाएगा, देख लेना आप। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये पैदल जा रहे, बच्चे जा रहे, हम जा रहे, बूढ़े जा रहे, लेकिन क्या समझ में आ रहे? नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इनबीसीएन से दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।